हे गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से किसी भी लोकल ट्रेन का टिकट को काट सकते हैं। यही नहीं, आप किसी भी एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट ट्रेन का जो जनरल कैटेगरी का टिकट होता है उसे भी काट सकते हो। नॉर्मली आप जानते हो कि आप स्मार्टफोन से या फिर किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से किसी वेबसाइट यानी IRCTC की वेबसाइट पर जाके रिजर्वेशन करा सकते हो, लेकिन यहाँ जब बात आती है अनरिजर्व्ड टिकट की, जो कि हम नॉर्मली कटाते हैं किसी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो वैसे कंडीशन में हमें रेलवे के टिकट काउंटर पे जाना होता है और ऐसे में वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, जिससे कई बार तो ऐसा होता है कि हम लाइन में लगे रहते हैं और ट्रेन आ जाती है, ऐसे में भगदड़ मच जाती है। तो वही उसी लाइन में अगर पहुँच गई वो आंटी जो कि लेडीज फर्स्ट बोलते हुए टिकट पहले कटा ली, तब तो और लेट हो जाएगा। और वही काउंटर पर एक वो बूढ़े वाले अंकल होते हैं ना, वो बैठ गए फिर तो बस एक बार चश्मा संभालेंगे और एक बार कीबोर्ड का बटन प्रेस करेंगे। तो इन सारे झंझटों से आप बचना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे, मैं आपको पूरा लाइव डेमो देके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे आप अपने स्मार्टफोन से किसी भी जनरल टिकट को काट सकते हो। और यही नहीं, अगर आप चाहते हो प्लेटफॉर्म टिकट को काटना तो वो भी आप अपने स्मार्टफोन से बिल्कुल कर सकते हो, वो भी लीगल तरीके में, और ये ऑफिशियली रेलवे के द्वारा जारी किए गए एक एप्लीकेशन से होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और घंटे वाला बटन दबा देना, और अगर कोई और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन हक और आप देख रहे हो मेरा चैनल टेक्नो एजा। और गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि इस वीडियो में मैंने कौन सा गेम खेला था, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, यानी टेक्नो एजा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और यार आना तो फॉलो भी कर लेना, क्योंकि अपने भाई का यार फॉलोअर का थोड़ा ध्यान दे देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और उस एप्लीकेशन का नाम है UTS। अगर आपको ये प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो उस एप्लीकेशन का मैं डाउनलोड लिंक के नीचे दे दूंगा, आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने डिवाइस में। ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली इस ऐप को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने देखने को मिलेगा। तो अगर आप पहली बार इस पे टिकट काटना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऊपर में मोबाइल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है उसके नीचे, उसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना है, फिर एक और पासवर्ड उसको डाल के कन्फर्म करना है, उसके बाद आपको जेंडर डालना है, अपना बर्थ डेट डालना है, और उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसके आगे लिखा होगा I accept the UTS on mobile। इसके टर्म्स एंड कंडीशन को आपको पहले टिक कर लेना होगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा जनरेट OTP। तो इस पे जब ओके करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पे एक OTP जाएगा, और वो OTP आपको वहाँ पे डालना होगा। बस हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। अब आपका मोबाइल नंबर ही आपका लॉगिन ID है, और आपने जो पासवर्ड अभी डाला था वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लिया है, तो यहाँ पर सिंपली मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के इस ऐप में लॉगिन हो जाता हूँ। उसके बाद बाकी की चीजें आपको बताता हूं कि कैसे आपको टिकट को काटना है। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले ऊपर में मिलता है बुक टिकट, जहां से आप टिकट को बुक कर पाओगे। उसके नीचे मिलता है कैंसल टिकट, जहां से आप टिकट को कैंसिल भी कर पाओगे। उसके नीचे मिलता है बुकिंग हिस्ट्री। उसके बाद मिलता है आर वैलेट। अब इस आर वैलेट में आप पैसे को रख सकते हो पहले से ऐड करके, ताकि आपको बार बार अपने बैंक डिटेल्स या फिर कार्ड डिटेल्स नहीं डालना पड़ेगा। तो ऐसे में आप जल्दी से जल्दी टिकट को काट पाओगे। आर वैलेट के नीचे मिलता है प्रोफाइल, और उसके नीचे मिलता है 100 बुक्ड टिकट, और जो भी आप टिकट काटोगे इसी वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा, आपके सारे टिकट्स जो भी आपने काटे हैं यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये था पूरा इंटरफेस सामने का। अब चलते हैं, देखते हैं कि टिकट को कैसे काटना है। अब टिकट काटने के लिए सबसे पहले आपको बुक टिकट पे जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप उस पे जाओगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म टिकट का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ से आप प्लेटफॉर्म टिकट भी काट सकते हो, जिसका जो प्राइस होता है वो 10 रुपए होता है। सेकंड नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है क्विक टिकट, आप उसका यूज तभी कर पाओगे जब आप बार बार एक ही जगह के लिए टिकट काटोगे, तो आपका वो जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगा और बार बार आपको डिटेल्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो पहली बार आप टिकट काट रहे हो तो सबसे पहले आपको सिंपली जाना है नॉर्मल बुकिंग पे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले वाला ऑप्शन होगा बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस, और ये वाला ऑप्शन तभी वर्क करेगा जब आप स्टेशन के आसपास हो। और अगर इस वाले ऑप्शन से आप टिकट काटोगे तो आपको टिकट को प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा और आप डायरेक्टली ट्रेवल कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्टेशन के आसपास नहीं हो तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे अगर आप टिकट काटोगे सेकंड वाले ऑप्शन से बुक एंड प्रिंट पेपर, तो आपको टिकट काटने के बाद उसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं घर पे हूँ तो यहाँ पर सिंपली मैं सेकंड वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर पाऊंगा। उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है ये सारे डिटेल्स यहाँ पे डालिए, उसके बाद नीचे यहाँ पे डन पे ओके कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको बाकी के डिटेल्स डालने होंगे, जैसे एडल्ट कितने हैं, चाइल्ड
कितने हैं, टिकट टाइप किस तरह का होने वाला है, और यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेन टाइप, और यहाँ पर सिलेक्टेड है ऑर्डिनरी। अगर आप यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट ट्रेन का टिकट काट सकते हो यहाँ से सिलेक्ट करके। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट टाइप पे जाइएगा तो दो ऑप्शन मिलेंगे, आर वैलेट एंड सेकेंड वाला ऑप्शन होगा पे यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, कुछ भी। तो अगर आप पहले से पैसे ऐड करके रखे हो आर वैलेट में तो वहाँ से कटा दीजिए, नहीं तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहीं से भी पैसे को यहाँ पर पे कर पाओगे। उसके बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख जाएंगे कि टिकट कहाँ से कहाँ तक है और टिकट का प्राइस क्या है। और अगर आप काटना चाह रहे हो तो सिंपली यहाँ पे बुक टिकट वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आपको सारे बैंक डिटेल्स डालने होंगे। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज। अब आपका इस पे अकाउंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी ऑप्शन एक सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने पेटीएम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपके कार्ड डिटेल्स डालने का ऑप्शन है, तो सारे कार्ड डिटेल्स डालिए और आपके अकाउंट से जितना किराया होगा वो कट जाएगा और टिकट आपका बुक हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस टिकट काटने का, ऐसे ही सेम प्रोसेस है प्लेटफॉर्म टिकट काटने के लिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे शेयर करिएगा उन सारे लोगों के साथ जो हमेशा से लाइन में लगने से डरते हैं और एक दो घंटे पहले ही स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार अगर एक दो घंटे पहले नहीं जाएंगे तो लाइन में कौन लगेगा और कैसे टिकट काटेंगे। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने आने वाले अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर और बाय बाय।